आदिवासियों के खिलाफ अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है। नजफगढ़ थाना क्षेत्र में 12 वर्षीय चचेरी बहन के साथ भाई ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि घटना के वक्त पीड़ित बच्ची के माता पिता काम पर गए हुए थे। डॉक्टर के सामने खुली पोल। दो दिन पूर्व जब लड़की की तबीयत बिगड़ी तब परिजन उसे लेकर अस्पताल गए। वहाँ लड़की के गर्भवती होने की बात सामने आई और बच्ची का अबॉर्शन कराया गया। अस्पताल प्रशासन ने पुलिस को मामले की जानकारी दी। काउंसलिंग के दौरान लड़की के सारी बातें बताई, जिसके बाद आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आखिर दिल्ली में यह अपराध कब थमेगा? पुलिस प्रशासन आरोपियों के खिलाफ कब कड़ा रुख अपनाएंगे? जिस तरह 12 वर्षीय मासूम को चचेरे भाई ने ही हवस का शिकार बनाया, इसे देखकर ऐसा लगता है कि राजधानी नई दिल्ली में महिलाओं के बाद अब बच्चियां भी अपराध की हद चढ़ रही है। MNS न्यूज़ लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।